श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। सावन, जी हाँ, 6 जुलाई से सावन आ रहे हैं। जब बारिशों के दिन आते हैं, सावन जब आता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। इवन पेड़ पौधे भी इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है और जब बारिश की बूंदें उनके ऊपर पड़ती हैं तो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा मन भी खिलना शुरू हो जाता है और साथ ही शिव भगवान माँ पार्वती के साथ में पृथ्वी पर आते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं, जो भी हमारी मनोकामना है, वो पूर्ण करते हैं। शिव जो आदि है ना अंत है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो नीलकंठ है, और जितने भी विष, जो भी विष होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो उन्होंने अपने कंठ के अंदर ले ली होती है। कहते हैं जीवन के अंदर हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जो भी अगर हम किसी की बात सुन लेते हैं, कोई दुख भरी बात है या कोई भी बात है, उसको हमेशा अपने कंठ के अंदर रखनी चाहिए, नीचे नहीं लेकर के जानी चाहिए और ऊपर भी नहीं निकालनी चाहिए। जब हम ऊपर बोल देते हैं तो सामने वाला हमसे नाराज हो जाता है, पेट में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं हम वो बात लीक कर सकते हैं। तो शिव जो है उन्होंने अपने कंठ के अंदर विष को रखा हुआ था और कहते हैं जिस पीरियड के अंदर उन्होंने विष पिया था तो शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। उस पीरियड के अंदर उनको बेलपत्र दिया गया था और बेलपत्र जब उन्होंने खाया था तो उनका शरीर शांत, उनके शरीर की गर्मी जो थी वो शांत हुई थी। और सावन के महीने के अंदर बारिश की फुहारे पड़ती हैं और सावन का पवित्र मंत्र जो है, इस बार मैं आपको बताऊंगी कि सावन के इस पवित्र मंत्र के अंदर हम किस तरीके से भोले भंडारी को मनाएं। और सोमवार इस बार 5 पड़ रहे हैं, तो आइए, विश्व के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी महामारी चल रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उस पीरियड के अंदर जब हमारे प्यारे भोलेनाथ पृथ्वी पर आ रहे हैं तो उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनका तप करें ताकि वो हमारी सारी विपदाओं को दूर करें। इस बार जो सोमवार है उस दिन आपने कोशिश करें महीने के जो एक महीने का ये जो पावन मंथ है, इस पीरियड के अंदर कोई भी जो प्रिय चीज़ है ना उसको आपने छोड़ना है। जो भी आप सपोज अगर आपको कोई सब्जी बहुत पसंद है या आपको फल कोई पसंद है, वो एक चीज़ ज़रूर छोड़िएगा। कहते हैं जब हम त्याग में बड़ी शक्ति होती है, जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं ना तो प्रभु सुनते ज़रूर हैं। तो जो प्रिय चीज़ अगर आप त्याग करते हैं और एक उसके ऊपर करिए कि नहीं, मैं इसलिए मैं त्याग कर रहा हूँ कि प्रभु ताकि मैं आपके करीब आ पाऊँ। और उस पीरियड के अंदर कहते हैं सावन के महीने के अंदर अगर हम ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो साक्षात शिव जो है हमारे आसपास विचरने शुरू हो जाते हैं। उस पीरियड के अंदर क्या करना है, सुबह आपने जल्दी उठना है, एक दिन पहले ही आप मिट्टी लेकर के आ जाइए, चिकनी मिट्टी। इस बार मैं जो बता रही हूँ आपको पूजा सावन की, बहुत विशेष पूजा है और इस विशेष पूजा का आपको बहुत ज़बरदस्त फल मिलेगा। मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जा भी रहे हैं तो लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ में है कि आप ये नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इस समय महामारी चल रही है, तो हम बहुत सोच समझ करके कोई भी मंदिर जा रहे हैं तो उस पीरियड के अंदर घर में ही क्यों ना हम पूजा करें। तो आपने एक दिन पहले मिट्टी ले आए और वो चिकनी मिट्टी लेकर के आए और अपने हाथों से ही एक प्लेट ले लें और प्लेट के अंदर 11 शिवलिंग बनाएं, मिट्टी के शिवलिंग। पार्थिव पूजा जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। जब हम पार्थिव पूजा करते हैं ना तो हमारे जीवन के जितने दुख होते हैं, तकलीफ होती है, जितनी भी परेशानियां, बीमारियां, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो पहले सोमवार को आपने क्या करना है, पहले सोमवार को आपने करना है 11 शिवलिंग बनाने हैं, छोटे छोटे से ही बना लीजिएगा और उनको जल से, थोड़ा सा गंगा जल से, खासकर गंगा जल से अभिषेक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिएगा, फिर जल चढ़ा दीजिएगा और उनके ऊपर चंदन, जी हाँ, प्रभु को चंदन बहुत प्रिय है,
चंदन चढ़ा दीजिएगा, बेलपत्र, बेलपत्र के ऊपर आपने हर 11 बेल पर, वो आप देख लीजिएगा 11 मिलते हैं, 21 मिलते हैं, 108 मिलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वो बेलपत्र लेने हैं। और बेलपत्र के ऊपर आपने चंदन से और अनार की कलम अगर आपको मिल जाती है, हर बेलपत्र के ऊपर आपने राम लिखना है। राम इसलिए लिखना है, शिव के ईष्ट राम है और राम के ईष्ट शिव है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। राम लिख करके आपने शिवलिंग के ऊपर, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उस शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाना है। कहते हैं बेलपत्र के दर्शन मात्र से ही हमारे कितने पूर्व जन्मों के पाप कट जाते हैं, सिर्फ दर्शन करने से ही। अब आप ये देखिए कि जब आप बेलपत्र भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपकी जितनी विपदाएं हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। इस बार आपने इस तरीके से पूजा करनी है। और इस बार सावन के महीने के अंदर, पावन के महीने के अंदर, आपने सिर्फ अपने लिए पूजा नहीं करनी है, अपने नियर डियर, आपके जितने भी संसार में जितने लोग हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, उन सब के लिए प्रेयर करनी है। जब आपने ये पूजा कर ली, फल मिठाई जो भी आपकी श्रद्धा है वो आपने अर्पित करना है, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं, सिर्फ भाव से ही आपने चढ़ा देना है। क्योंकि आप ये देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचिता हैं और विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जो है संहार करते हैं। कहते हैं ना, वो जब हम हाथ उठा करके कहते हैं कि जब हम पूजा करने के बाद में बोलते हैं, पाप हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दरिद्र हरो, सर्व पाप हरो, हर हर महादेव, इसका मतलब सारी की सारी विपदाएं को दूर करने के लिए आए हैं। आपने ये करना है, फिर उसके बाद में आपने बैठ जाना है। जब आपने पूजा कर ली है, आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद में ओम नमः शिवाय का आपने जाप करना है। ओम नमः शिवाय सिर्फ माला के साथ में ही नहीं करना है आपने, 108 बार आप माला से कर ले, उसके बाद में देखिए जो भी मंत्र है ना, मंत्र के अंदर जो है ना, पूरी जब हम श्रद्धा से करते हैं जिस मंत्र को, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर और हमारे 7 मेजर चक्रास के ऊपर पड़ता है। उस पीरियड के अंदर आपने ओम नमः शिवाय इस तरीके से आपने जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरी श्रद्धा के साथ में आपने जाप करना है। तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त फल मिलेंगे। आगे दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार और आने वाले सोमवार पे हम और क्या करें, अगर किसी के घर में रोग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, उस पे उस पीरियड के अंदर कैसे हम शिव को प्रसन्न करें कि हमारे घर से बीमारी दूर जाए, हमारे घर से दवाइयाँ दूर जाए। मेरे चैनल को देखते रहिए, आगे और बहुत महत्वपूर्ण बातों के साथ में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। और सावन के महीने में और हम क्या करें, आप क्या जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। जय श्री